अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो मैं कब का कर चुका होता। भाई साहब, आपने पूरी जिंदगी इतने मुश्किल काम किए, रज्जो की इतनी औकात नहीं है कि वो इतने बड़े अल्फाज अपने मुंह से निकाले। झूठी वो नहीं, तुम सोच भी नहीं सकता था कि तुमने सब कुछ मेरे साथ करोगे। दोनों बाप बेटी कहीं चलते हैं घूमने, कितने दिनों से हम बाहर कहीं नहीं गए। अब जाए यहां से, अकेला छोड़ दे मुझे। आप जाते हैं या फिर मैं जाऊं यहां से? सॉरी, तुम्हारा एक ही शर्त पे एक्सेप्ट होगा। वैसे किस शर्त पे? गाना गा के सुनाओ। बैठिए। आपको तो हमारा घर छोटा लग रहा होगा ना? जाहिर है, क्योंकि इससे बड़े घरों में तो आपके मुलाजमीन रहते होंगे। घर बड़े छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, दिल बड़े होने चाहिए। दिल तो फिर गरीबों के बड़े होते हैं भाई साहब। वैसे भी नेकी और ईमानदारी की कमाई से तो छोटे घर ही बन सकते हैं। कोठियां और बंगले बनाने के लिए तो और तरह की कमाई की जरूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी हो। कबीर ठीक ही कहता था कि तुम लाखों में एक हो। आओ बैठो हमारे साथ। नहीं नहीं, हानिया कैसे बैठ सकती है? मेरा मतलब है कि ये तो आपके लिए खाना तैयार कर रही है ना। फारिग हो जाए तो जितनी देर मर्जी बिठा लीजिएगा। जाओ बेटा, खाना तैयार करो। भाई साहब, आपसे बहुत सी बातें करनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। कहीं से भी शुरू कर लीजिए, इसमें सोचने की क्या बात है? सोचना तो पड़ता है बहन जी। अब देखिए ना, अगर मेरी कोई बात भाई साहब को बुरी लग गई तो वो तो अपने बंदे भेजकर मुझे उठवा लेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? देखा देखा, बुरी लग गई ना मेरी बात, हालांकि मैं तो मजाक कर रहा था। देखिए रियाज साहब, मैं ये चाह रहा था कि हम मिल बैठ के तारीख तय कर लें और जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सके। बेटी को ले जा सके? मगर मेरी तो कबीर के साथ कोई और बात हुई थी। लगता है आपके बेटे ने आपको पूरी बात बताई नहीं शायद। हम कुछ समझे नहीं, कौन सी बात? मैंने कबीर से कहा था कि अगर वो घर दामाद बन के रह सकता है तो ही उसकी शादी हानिया के साथ हो सकती है। अब अगर आपको उसके घर दामाद बनने पर कोई एतराज नहीं है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, हम यहाँ बेटी लेने के लिए आए हैं, बेटा देने के लिए नहीं। और मैं तो हैरान हूँ कि आपने ऐसा सोच कैसे लिया। देखिए भाई साहब, सोचना तो पड़ता है क्योंकि अगर समधी आप जैसा हो तो फिर ऐसी सोच आ ही जाती है। आप जैसा से मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए बहन जी, सीधी सी बात है, हम ठहरे शरीफ लोग और आप जरा और तरह के शरीफ हैं। अब देखिए ना, हमारे खानदान में तो आज तक कभी किसी ने हवालात की शक्ल तक नहीं देखी और आपके खानदान वाले थाने कचहरी के चक्कर यूं लगाते हैं जैसे बड़े फख्र की बात हो। रिया साहब, देखिए भाई साहब, गुस्सा ना करें, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये तो लोग जो आपके खानदान के बारे में सोच रहे हैं। अब देखे ना, आप नामी गरामी आदमी हैं, बड़े पुलिस केसेस हैं आप पर, ऊपर से आप दुश्मनदार आदमी हैं, ना जाने कब कौन किस वक्त आप पर या आपके बेटे पर या फिर मेरी हानिया पर कोई हमला कर दे, उसे नुकसान पहुंचा दे। ना बाबा ना, मैं तो अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकता,
इसलिए मैं अपनी बेटी को आपके घर तो नहीं भेज सकता। हाँ, अगर आपको अपने बेटे का घर दामाद बनने पे कोई एतराज़ नहीं है तो फिर ये मुझे ये रिश्ता मंजूर है, वरना मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ का निज़ाम जब तुम्हें दिया हुआ है तो क्यों पूरा नहीं कर रहे हो? जाओ जाके वो उस एरिया का पूरा हिसाब किताब सेट करो। अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? अरे क्यों परेशान हो रहे हो, इस किस्म के मामलात में देर हो जाती है। हाँ लेकिन मतलब कोई फोन भी नहीं किया उन्होंने। मैं हानिया को फोन नहीं, अभी मत करना, अच्छा नहीं लगेगा, वो सबके साथ बैठी होगी, मुनासिब नहीं। बात ठीक कर रहे हैं, मैंने इतना उतारा तो मैं आज तक नहीं देखा जितना आज देख रहे। ऐसा पहले कभी हुआ भी तो नहीं है। अभी तो और बहुत कुछ होना बाकी है, तुम तो अभी से परेशान होगे। क्या मतलब, ऐसा क्या होना? सीरियस मत हो, मजाक करो। देखो जब इंसान की शादी होती है ना तो वो बीवी के साथ साथ घर वालों को भी मनाता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो तंग आ जाता है। बाकी शादी के बाद ऐसे ही होता है। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ घर दामाद बनाने का रिवाज नहीं है, और आप इनकी खामोशी को इनकी कमजोरी मत समझिएगा। ये अगर खामोश हैं तो बच्चों की खुशियों की खातिर खामोश हैं, वरना 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 क्या? शुक्र कीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं। अगर हम अपने बेटे का रिश्ता ना लेकर आए होते तो इस वक्त आप यहाँ अपने पैरों पर खड़े ना होते। मानो बोलने दीजिए मुझे, ये शायद किसी गलत फहमी का शिकार है। आपने हमारे बारे में बहुत गलत सुना है ना, लेकिन आपने शायद ये नहीं सुना कि हम बदलिहाज और बद दिमाग लोगों को ठोकर पे लिखते हैं। मैं इस रिश्ते से आप क्या इनकार करेंगे, हम खुद इस रिश्ते को ठोकर मार के जाते हैं। चलिए सर, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, अगर आप इजाजत दें तो चश्मा लगा लूं। रिटायरमेंट का वक्त है तुम्हारा। नहीं सर, अभी थोड़ा वक्त है, लगा लो। शुक्रिया सर। भाई साहब ने अजहर से करोड़ों रुपए खाने के बाद भी सोसाइटी नहीं बनने दी, इसलिए अजहर ने भाई साहब को मारने की सुपारी दी थी। मगर इससे पहले कि अजहर भाई साहब को मारता, भाई साहब ने ही उसे मरवा दिया, और यह बात आपके डिपार्टमेंट के लोग भी जानते हैं, इसलिए भाई साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना आए तो आपने डीएसपी नसीर से या भाई साहब से पूछ लेना, कोई इनकार नहीं कर पाएगा। अगर जिंदा बचा तो वो जल्द आपको भिजवा दूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप भाई साहब को सजा जरूर दिलवाएंगे। सर आपको नहीं लगता कि इस खत में जो कुछ लिखा हुआ है वाकई सच है, या फिर कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? कुछ तो सच्चाई है इसमें, वरना डीएसपी साहब का जिक्र ना होता। लेकिन सर हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक पूरे सबूत हमारे हाथ नहीं लग जाते। सबूत का इंतजाम किया तो बहुत देर हो जाएगी। अंदर से खबर आई है कि मेरे ट्रांसफर की बात चल रही है। तो सर फिर अब आप क्या करेंगे? एसपी साहब से बात की है मैंने, उन्होंने ये केस मेरे हैंडओवर किया है। मैंने भाई साहब की गिरफ्तारी के लिए
वारंट जारी करने का कहा। गिरफ्तारी के वारंट? तो फिर क्या कहा उन्होंने? क्योंकि एसपी साहब खुद चाहते हैं कि भाई साहब की गुंडागर्दी को थोड़ा सा लगाम दिया जा सके। सर वारंट कब निकलेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वारंट आने से पहले पहले आपकी ट्रांसफर कर दी जाए और आप कुछ ना कर पाए। फिर तो मुकद्दर की बात है बिलाल साहब, देखते हैं किसका मुकद्दर तेज चलता है। मेरा या भाई साहब का? जानता था मैं, मुझे अंदर ही अंदर पहले ही पता था कि आप दोनों वहां जाएंगे और सब कुछ बिगाड़ के वापस आ जाएंगे। पता नहीं क्यों क्या सोच के मैंने आप दोनों को वहां भेज दिया, ये सारी मेरी गलती है। नहीं नहीं, गलती तो हमारी है जो तुम्हारे प्यार में हम वहां चले गए और बेइज्जत होकर आ गए। ये बाप जिसे तुम आंखें दिखाते रहे हो ना, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर जिल्लतों के पहाड़ उठाकर आ रहा है। आज तुम्हारी मोहब्बत की खातिर तुम्हारे बाप ने वो कुछ सहा है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मुझे हैरत हो रही है कि तुम उस लड़की की मोहब्बत की खातिर हमें झूठा और छोटा साबित करने पर तुले हुए हो। आज मुझे तुम्हें बेटा कहने में शर्म आ रही है। अरे बस करो बालू बेटा, बस करो। जो ये समझता है इसको समझने दो, ये हमारी कदर करे या ना करे है तो हमारा ही खून है। अगर ये अपना फर्ज भूल चुका है तो कोई बात नहीं, हमें तो अपना पूरा फर्ज निभाना है। तो सही है, अगर मेरे ही घर में मुझे मेरे माँ बाप ही नहीं समझ सके तो फिर मेरा यहाँ रहना बनता ही नहीं है। आपने ये करने के लिए बुलाया था? मुझे लगा आप बदल गए, शायद वाकई में आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मैं गलत थी। बाप तो अपनी बेटियों की खुशियों के लिए जान दे देते हैं और आप है कि मेरी खुशियों को बर्बाद करने पे तुले हैं। काश उस दिन मैं अपनी अम्मी के साथ मर जाती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं मजबूर हूँ, जो कर रहा हूँ उसमें हम दोनों की भलाई है। देखिए भाई साहब, सोचना तो पड़ता है, क्योंकि अगर समधी आप जैसा हो तो फिर ऐसी सोच आ ही जाती है। अब देखिए ना, हमारे खानदान में तो आज तक कभी किसी ने हवालात की शक्ल तक नहीं देखी और आपके खानदान वाले थाने कचहरी के चक्कर यूं लगाते हैं जैसे बड़े फख्र की बात हो। क्या बात है भाई साहब, आप जब से वहां से आए हैं खामोश हैं। कहीं हानिया के बाप ने समझ गया, सिर्फ एक घंटा दे मुझे, अगर वो खुद आकर आपके पैरों में गिरकर माफी ना मांगे तो मेरा नाम बता दीजिएगा। यही सब कुछ करना होता तो मैं कर चुका होता। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें जोर जबरदस्ती नहीं चलती। लेकिन भाई साहब,
वो आपको इनकार कैसे कर सकता है? क्या वो जानता नहीं है कि आप कौन है? जानता, तभी तो इनकार किया उसने। दुख इस बात का नहीं है कि उसने मुझे बुरा भला बोला, दुख इस बात का है कि मैं चाहकर भी अपने बेटे की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सका। भाई साहब, इंस्पेक्टर साजन मिलने के लिए आए हैं। बुला। तुम इस घर में रहना नहीं चाहते? मत रहो, ये तुम्हारी दौलत है। तकलीफ का अंदाजा है मुझे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी बस हूँ उनके साथ। कबीर, अगर बाबा ने आपको मुझे रोकने के लिए भेजा है ना, तो रहने दे, कोई फायदा नहीं है। अब जो कुछ हो चुका है उसके बाद तो मैं किसी कीमत पर इस घर में नहीं रुकूंगा। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें रोकने आई? तुम जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। बाबा तो यही चाहते थे, लेकिन आप भी ऐसा चाहेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम अपने बाबा से इस हद तक बदगुमान हो जाओगे, और उस बाप से जो तुम पर जान छिड़कता है। जो कुछ मैं उनके बारे में जानता हूं ना, आपको नहीं पता। अंधेरे में रखा है उन्होंने आपको। उनको सिर्फ अपनी जायदाद से मतलब है, और उसके लिए वो किसी को भी खुद से अलग कर देंगे। ये जो रेशम के साथ मेरी शादी कराना चाह रहे हैं, ये सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वो ना जाने उसके बाप के साथ कौन सी बिजनेस डील की होगी उन्होंने। डील तो वो कर सकते थे जब रेशम के बाप ने शादी ना तोड़ने के लिए अपनी सारी जायदाद की ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने दौलत की जगह अपने बेटे की खुशियों की डील की। फिर से कहानी गढ़ रही है। आपको क्या लगता है, आपकी इस कहानी पे यकीन कर लूंगा मैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, यही समझ लो कि मैं कहानी गढ़ रही हूं। जैसे हानिया की घर की कहानी सुनाई, ऐसे ही सुना रही हूं। ये लो। ये क्या? ये तुम्हारे बाबा के तमाम जायदाद और बिजनेस के कागजात हैं, और इसमें साफ साफ लिखा है कि उनकी सारी जायदाद और बिजनेस के मालिक तुम। और ये अब की नहीं है, ये तब की है जब तुमने उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। लो, तुम इस घर में रहना नहीं चाहते, मत रहो, ये तुम्हारी दौलत है, ना मुझे और ना तुम्हारे बाबा को इससे कोई सरोकार नहीं। ये तुम्हारी मलकियत है, तुम जो चाहे करो। और जब घर छोड़कर जाओगे ना, तो हानिया से ये जरूर पूछना कि जो कुछ मैंने और तुम्हारे बाबा ने कहा था उसमें कितना सच और कितना झूठ था, ये जरूर पूछना हानिया से। अगर सच में वो लड़की तुम्हारी दौलत से नहीं तुमसे प्यार करती हूं, तो वो अपने बाबा की असलियत तुमसे नहीं छुपाएगी। दिलावर साहब, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अजहर ने मरने से पहले आपको कोई रकम दी थी? अजहर से हमारा रकम का कभी भी कोई लेन देन नहीं था, और वैसे भी वो
हमारा कोई बिजनेस पार्टनर नहीं था जो मुनाफा शेयर करता था। मैंने मुनाफे की बात नहीं की, रकम तो बगैर मुनाफे के भी ली जा सकती है। इशारों में की जाने वाली बातें अच्छी नहीं होती हैं, जो बात करनी है साफ साफ कहो। हमारी मालूमात के मुताबिक असर ने मरने से पहले काफी बड़ी रकम दी थी। तो जिस अजीज से जाके पूछो ना, हमसे क्या पूछ रहे? सरकार आप हाँ हाँ गुस्से में आ रहे हैं, बॉस ने तो ऐसी बात की थी। हर बात की कोई ना कोई वजह जरूर होती है, अगर वजह नहीं है तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, अपना हमारा वक्त जाया मत करो। कोई वजह है तभी तो आया हूँ। तो पहेलियाँ क्यों पूछवा रहे हो, चुपकना है? आशम, हमने अपने बड़ों से सुना है कि जिसको जितनी इज्जत दी जाए उतनी ही वापस मिलती है। आशम बड़ी अच्छी तरह से जानता है किसके साथ कैसे बात करनी है। मुझे लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे। दुआ करें कि समझाना भी ना पड़े, क्योंकि हमारे समझाए हुए या तो पागलखाने में मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। जैसे अजहर किसी को नहीं मिला। क्या आपको इल्म है कि अजहर ने आपको मारने की सुपारी दी थी? जी मैं जानता हूं। तो आपने पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं करवाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने ही अजहर को? अगली बार अगर कोई वजह लेकर आओ तो साथ सबूत भी लेकर आना, और अगर सबूत ना मिले तो कम से कम चार आदमी जरूर लेकर। शिशु का मारे ऐसी लिपटी सी आग है, सूखी रोटी सा लम्हा हाथों में टूट गया था, किस्मत भी चुप का राग है। कैसे कर सकता है? आपको उसे समझाना चाहिए था ना। देखिए अगर उसे रेशम से कोई प्रॉब्लम है, कोई नाराजगी है तो बता दे, रेशम माफी मांग लेगी उससे, मगर इस तरह रिश्ता तो ना तोड़े। समझाया है मैंने उसे, बड़ी कोशिश की है उसको मनाने की, नहीं मान रहा है वो, नहीं मान रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका बेटा है, वो कैसे नहीं समझेगा आपकी बात? देखिए भाई साहब अगर ये शादी ना हुई तो मेरी बेटी टूट जाएगी। मैंने सबको बताया हुआ है इस शादी का, सब जानते हैं इस रिश्ते के बारे में। मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ, प्लीज मुझे मायूस मत कीजिए। मैं बिल्कुल आपकी कैफियत समझता हूँ और आपके तकलीफ का अंदाजा है मुझे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी बस हूँ आपके साथ। आप ऐसा कैसे कर सकते? आपने जबान दी है, आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते। यही तो गलती है। काश आपको जुबान देने से पहले मैं कबीर से एक मरतबा पूछ लेता, अगर पूछ लेता तो आज ये नौबत ना आती। और सच पूछिए कि ऊपर वाले के फैसले को मान लेने में ही आफियत है, मैं तो यही
जानता हूं बस। पानी पीजिए, मैं एक मिनट में आया। तकलीफ का अंदाजा है मुझे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी बस हूँ आपके साथ। और सच पूछिए कि ऊपर वाले के फैसले को मान लेने में ही आफियत है। तुम जैसा सोचो ऐसा कुछ नहीं है। वैसा ही है, मेरे माँ बाप चाहते नहीं कि हम दोनों की शादी हो। तुम्हें गलत फहमी हो रही है। सच तो ये कि गलत तुम्हारे अम्मी अब्बू नहीं है कि मेरे अब्बू है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी अम्मी ने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है। रिश्ता तुम्हारे घर वालों ने खत्म नहीं किया है बल्कि मेरे अब्बू ने किया है। तुम्हारे अम्मी अब्बू ने तो बहुत कोशिश की कि किसी तरह बात बन जाए लेकिन अब्बू नहीं मान। इतना कुछ तुम्हारे माँ बाप ने सुना है ना, मैं दावे से कह सकती हूँ उनकी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या कर बैठता। बहुत बर्दाश्त करना पड़ा तुम्हारे अब्बू को। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं कबीर। खुदा ऐसा बाप हर किसी को दे। और प्लीज तुम भी अपना दिल उनसे साफ कर लो। हेलो कबीर, तुम सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। तो फिर चुप क्यों हो गए, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं, बाद में बात करता हूँ। मैं जानती हूँ कबीर तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। अगर हो सके तो अपने अब्बू से माफी मांगो। जरूरत है तुम्हारी। हाँ अच्छा, मैं वो तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। सर आपने मुझसे वादा किया था कि भाई साहब की गिरफ्तारी के वारंट जारी करवा देंगे। आखिर मेरा ट्रांसफर हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सर मुझे पूरा यकीन है कि अजहर के कत्ल के पीछे भाई साहब का हाथ है। आप बस एक मरतबा वारंट जारी करवा दें, मैं भाई साहब से सब कुछ खुद कबूल करवाऊंगा। शुक्रिया सर, प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बहुत शुक्रिया सर। एक बार फौरन जारी हो जाए, अगर भाई साहब को घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन ना लाया, अपने बाप की औलाद बड़ा बदमाश बनता है। मैं बताता हूं कि अगर पुलिस अपनी आई पे आ जाए तो फिर उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं होता। सर आप अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन इतना गुस्सा मत करें। अगर आप पर्सनल लेंगे तो कुछ नुकसान भी हो सकता है सर। तो जो भी करना है जरा ठंडे दिमाग से। अगर आज मेरे हाथ में सबूत होते भाई साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते। आप बजा कह रहे हैं सर, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि भाई साहब को फंसाया जा रहा हो। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी बिलाल। किस चीज से खौफ है तुम्हें? आप गलत समझ रहे हैं सर, मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है।
खौफ होता तो मैं कब का आपसे अलग हो चुका होता। देखिए आप खुद सोचें, अगर भाई साहब कातिल है तो वो फिर आपसे दुश्मनी मोल क्यों लेगा? क्योंकि वो अच्छी तरह से जान चुका है कि मैं बिकने वाला नहीं, और वो मुझे झुकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये हरकत उसके लिए जानलेवा साबित होगी। एक बार फौरन डालने देता हूं, भाई साहब को तो किस्सा तमाम कर दूंगा। भागना भी चाहे भाग नहीं सकता। और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं ठीक उसी तरह होना चाहिए सब कुछ। बताना चाहता हूं लेकिन बता नहीं पा रहा। शादी भी उसी से करूंगा। क्या करने जा रही थी तुम? मरना चाहती हूँ डैड, गन वापस दे मुझे। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती डैड। मरना चाहती हो तो पहले मुझे मार दो, क्योंकि तुम्हारे बाद तो मैं मर ही जाऊंगा। अफसोस होता है मुझे, इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था कि तुम किसी अनजान की खातिर अपनी ही जान ले लो। शादी से इनकार कबीर ने किया था तो मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दे रही हो? क्यों बदला ले रही हो मुझसे? मैं क्या करूं डैड, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, ना ये घर, ना आप, ना अपना आप। मैं मरना चाहती हूं डैड, ऐसे लगते हैं डैड के सारी फीलिंग्स ही खत्म हो गई हैं। आई एम सॉरी डैड, पर मैं बेबस हो गई हूँ डैड, मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। मैं मरना चाहती हूँ डैड। जितनी तकलीफ मैंने और मेरी बेटी ने सहनी थी सहली, अब तकलीफ सहने की बारी भाई साहब की है। अब मैं बताऊंगा अपनों की तकलीफ क्या होती है और उन्हें खोने का गम कितना दर्दनाक होता है। बेटी की जिद ने मेरे हाथ बांध रखे थे, लेकिन अब मैं वो कयामत ढाऊंगा जो भाई साहब के पूरे खानदान को निकल जाएगी। हुक्म करें, कैसे याद किया आपने? वक्त आ गया है फिरोज, मैंने तुम्हें कबीर से बचाया था, अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। याद है, याद है, आपका एहसान याद है मुझे। आप हुक्म करें, करना क्या है?
फिरोज आपको मायूस नहीं करेगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनो, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं ठीक उसी तरह होना चाहिए सब कुछ। ऐसे ही होगा। आप बताएं आप चाहते क्या हैं? क्या कहा आपने? क्या सुना मैंने? क्या यह सच है? ठीक सुना तुमने। कितने साल लगे भाई साहब हमें यहां तक पहुंचने में? कैसे कैसे रास्तों से गुजरकर हम यहां तक पहुंचे, और आप इतनी आसानी से आप कह रहे हैं कि आप ये सब कुछ छोड़ देंगे? क्यों? क्योंकि मुझे कबीर से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है इस दुनिया में, ना ये नाम, ना ये वकार, ना ये शोहरत, ना ये रोक, ना ये दबदबा, कुछ भी कुछ अजीज नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में मेरी वजह से कुछ भी ऐसा ख्याल आए जिसकी वजह से वो मुझसे दूर होना चाहे। मैं नहीं चाहता। सच कहूं तुमसे आदर, कबीर के मुझसे दूर हो जाने या अलग हो जाने का डर या खौफ ने दुर्दिल बना दिया है मुझे। और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस खौफ और इस डर से नहीं गुजारना चाहता। जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं जो आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं? क्या जवाब दूं उनको जिनके घरों के चूल्हे आपकी वजह से जलते हैं? क्या जवाब दूं मैं उनको भाई साहब? अपने खून से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं होती इस दुनिया में। आते अपना खून अपना होता। कबीर, तुमने आज भाई साहब की जो मोहब्बत तो तड़प अपने लिए देखी है वो आज से नहीं हमेशा से थी। कभी तुम्हें इस बात का यकीन नहीं दिला सके और ना ही तुम यकीन कर पाए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और अब वो बस गिल्टी फील कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए रोते हुए नहीं देखता। भाई साहब की हर बात में तुम्हारी खुशी है। उन्होंने हमेशा तुम्हारे लिए सोचा है। शायद तुमने आज
पहली बार उनकी ये सब बातें सुनी हो। मैं आपकी बातों का यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? जो कुछ मैं बाबा के बारे में जानता हूँ ना वो आप जानते हैं और ना ही अम्मा। और जितना कुछ मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है वो मैं कैसे भूल जाऊं? कबीर, मैं नहीं जानता तुमने अपनी आंखों से क्या देखा है और कानों से क्या सुना, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि भाई साहब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कबीर, अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए तो बात करो मुझसे, बताओ मुझे ऐसी क्या गलतफहमी है जिसे तुमने अपने दिल में पाल लिया है और भाई साहब से दूर हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं लेकिन बता नहीं पा रहा हूं। कोशिश करो, मैं सुन रहा हूं। सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की है, मगर तूने मेरी नाफरमानियों के बावजूद भी कभी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। हमेशा मुझे मेरे औकात और ख्वाहिश से बढ़कर नवाजा है। मैं आज तुझसे अपनी हर गलती हर गुनाह की सच्चे दिल से तौबा करती हूँ। तो बड़ा गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, मेरी तौबा कबूल फरमा। मैंने हाशिम का बहुत दिल दुखाया, अगर तू चाहे तो मुझे मेरे किए की सजा दे दे, मगर हाशिम का दिल मुझसे साफ कर दे, साफ कर दे मेरे मौला, साफ कर दे। मेरा ख्याल है तुम ठीक ही होगी। फिरोज, तुमने माफी मांगने के लिए बुलाया इसीलिए मैं यहां आई, वरना मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब बस आखिरी बार देख लो, इसके बाद तुम कभी किसी की शक्ल नहीं देख पाओगे। अभी मैंने गुलनार की अम्मी को फोन किया है, वो ये कह रही हैं कि गुलनार घर पहुंची नहीं। अभी तक घर नहीं पहुंची? अपने घर भी नहीं गई तो फिर कहां गई है? इसीलिए कह रहा हूं अंडरग्राउंड हो जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। क्या बात करनी है, कहां है गुलनार, मिल गई? लेकिन ज्यादा देर नहीं बच पाएगा, पहुंच जाऊंगा मैं।